सुप्रभात प्रिय दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और उसे ऑल पे करें ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन। हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं सुनील प्रजापति आप सभी के लिए क्लास ट्वेल्थ की बायोलॉजी का चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन लेकर के आया हूँ, जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्क्राइब किया जा रहा था। और इससे पहले मैंने आपको डिस्क्राइब कर चुका हूँ यूट्रस तक, उसके बाद नेक्स्ट हमने लिया है वेजाइना। ठीक है, तो आइए देखते हैं वेजाइना। वेजाइना को हम यहाँ समझ सकते हैं, ठीक है ना, ये वाला पार्ट वेजाइना का है। तो यूट्रस ओपन इनटू द इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड, क्या नाम है, वेजाइना। देखो बेटा, जब ये यूट्रस जो है, ये यूट्रस की वाल कहाँ पे ओपन हो रही है, एक इलास्टिक है ना, इलास्टिक मस्कुलर वाल है, और ये ओपन कहाँ हो रही है, वेजाइना में ओपन हो रही है ना, इसलिए इसको हमने क्या नाम दे दिया, वेजाइना। अब इसकी जो है लेंथ कितनी होती है बेटा, तो एफ से लेकर के 8.5 सेंटीमीटर, कितनी होती है, 8.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इट इज हाईली वेस्कुलर ट्यूब, इट इज हाईली वेस्कुलर ट्यूब लाइंड बाई इंटरनली बाई म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है ना, अंदर के द्वारा वो म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा वो जो है आस्थित रहती है। विच इज रेज्ड इन टू द ट्रांसवर्स फोल्ड कॉल्ड वेजाइनल रिब्स, ठीक है, तो उसके अंदर जो अगर देखा जाए तो ये ट्रांसवर्स फोल्ड पाए जाते हैं। वेजाइना इज लाइंड बाई अ स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, जो वेजाइना की लेयर होती है ना, वो किस टिश्यू से मिलकर के बनी होती है, तो वो होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम लेयर्स की, ठीक है। वेजाइनल ऑरिफिस इज कवर्ड पार्शियली बाई ए मेम्ब्रेनस डायफ्राम कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं, हाइमेन कहते हैं। हाँ, यहाँ पे आप समझ लीजिए बेटा, मान लीजिए ये वेजाइना है, ठीक है ना, इसी वेजाइना के जस्ट पहले एक जो है छोटा सा पोर्स होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइमेन कहते हैं, ठीक है, तो ये हाइमेन कहते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये वेजाइना है, वेजाइना और यूट्रस को जो कनेक्ट कर रही है, वहाँ पे आप देख सकते हैं एक वेजाइनल ओरिफिस पाई जाती है, ठीक है ना, ये वेजाइनल ओरिफिस पाई जाती है, ठीक है ना, तो वेजाइना, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, मान लीजिए वेजाइना का ये जो है क्या है, होल्स है या छिद्र है, पोर्स, और ये इसके जस्ट पहले एक छोटा सा छिद्र होता है, ठीक है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइमेन कहते हैं। और ये क्या होता है कि हाइमेन इज ऑफन रप्चर ड्यूरिंग फर्स्ट क्वाइटस, बेटा ये कब फटता है, ये जो झिल्ली होती है हाइमेन की, ये कब फटता है, ये तभी रप्चर होता है जबकि पहली बार इसमें क्या है कि कॉपुलेशन की प्रोसेस किया जाए, ठीक है ना, फर्स्ट क्वाइटस, या तो यानी कि कॉपुलेशन की प्रोसेस के दौरान ये वाल क्या होती है, फट जाती है, ये वाल जब फट जाती है, इट इज आल्सो कॉल्ड बी ब्रोकन, टूटती है तो बाय ए सडन फॉल, अचानक टूट जाती है, किस माध्यम से टूटती है, या तो इंसर्शन ऑफ द वेजाइनल टेम्पेनम, ठीक है ना, जब इंसर्शन किया जाता है, इंट्री की जाती है किसकी, पेनिस की, तो उसमें टिम्पेनम के दौरान ये वाल क्या होती है, रप्चर्ड हो जाती है, या तो साइक्लिंग के दौरान रप्चर्ड हो जाती है, इस तरह से आप इसको कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम एक बात आपको ये भी बता देते हैं कि बेटा ये वाल जो है, बहुत से समाज में बहुत सी धारणाएँ ऐसी भी हैं कि इस वाल के नष्ट हो जाने से क्या वर्जिनिटी जो है नहीं रह जाती है, तो ये सिर्फ कहने की बात है, क्योंकि आजकल के समय में कोई फिजिकली वर्क किया जा रहा है, साइकिलिंग है, रनिंग है, या हॉर्स या घुड़सवारी है, कुछ ऐसे जो भी फिजिकलिंग वर्क किया जाते हैं, तो उस दौरान ये हाइमेन क्या होती है, रप्चर हो जाती है, फट जाती है, ठीक है ना, तो इसका ये मतलब नहीं रह गया है कि उसमें वर्जिनिटी नहीं है, ठीक है बच्चों।
तो ये तो रहा आपका जो है किससे, वेजाइना से संबंधित। अब थोड़ी सी बात इसमें और है जो कि हम आपको और बता दें थोड़ा सा, ये सर्विक्स वाले पोर्शन से, ठीक है ना, ये सर्विक्स वाले पोर्शन से भी हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि जो सर्विक्स है वो आपको कैसा दिख रहा है यहाँ पे सर्विक्स। इट इज ए नैरो कैनाल कनेक्टिंग द यूट्रस टू द वेजाइना, ठीक है ना, इट इज ए नैरो कैनाल, तो आप इसको लिख सकते हैं इट इज अ नैरो कैनाल, इट इज अ नैरो कैनाल कनेक्टिंग द यूट्रस, किससे कनेक्ट होता है, कनेक्टिंग द यूट्रस, कनेक्टिंग द यूट्रस, किससे कनेक्ट होता है, यूट्रस से टू द वेजाइना, ठीक। तो इट इज द नैरो कैनाल, बेटा जो सर्विक कैनाल होती है ना, और कनेक्टिंग द किससे कनेक्ट होती है सर्विक्स, यूट्रस टू द वेजाइना से, ये देख लो ये यूट्रस है और ये वेजाइना है, और बीच की जो नैरो कैनाल है वो क्या है, कनेक्ट कर रही है, ठीक है। सर्वाइकल कैनाल की बात किया जाए, तो जो ये सर्वाइकल कैनाल है, सर्वाइकल कैनाल द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड, नोट कर लीजिएगा, द कैविटी ऑफ द सर्विक्स, द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड द सर्वाइकल कैनाल, ठीक है, इज कॉल्ड द सर्वाइकल कैनाल। तो जो ये सर्वाइकल कैनाल है वो क्या है, ये किसकी कैविटी है, सर्विक्स की जो ये कैविटी है, सर्विक्स की जो कैविटी है उसी को हम क्या कहते हैं, सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। अब बेटा बर्थ कैनाल किसे कहते हैं, तो आप बर्थ कैनाल भी समझ लो, ठीक है, द कह सकते हैं द सर्वाइकल कैनाल अलोंग विथ, जो सर्वाइकल कैनाल हुई, सर्वाइकल कैनाल की कैसे हुई, क्योंकि सर्विक्स की जो कैनाल है उसको सर्वाइकल कैनाल कह दिया, ठीक है ना। अब वो बर्थ कैनाल में कैसे, द सर्वाइकल कैनाल अलोंग विद द सर्वाइकल कैनाल अलोंग विद द क्या वेजाइना फॉर्म्स द बर्थ कैनाल, फॉर्म्स द बर्थ कैनाल, ठीक है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि जो ये सर्विक्स है, ये जो सर्विक्स है इसकी कैविटी को हम सर्वाइकल कैनाल कह दिया। अब ये सर्वाइकल कैनाल आप क्या देख सकते हैं कि किससे संबंधित है, वेजाइना से संबंधित है। जब वेजाइना से संबंधित है तो इसी को ही हमने क्या नाम दे दिया, बर्थ कैनाल नाम दे दिया, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमने आपका इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वेजाइना सर्विक्स तक ये पार्ट कंप्लीट कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट लेकर के हम आएंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, पढ़िए, कहीं पर कोई प्रॉब्लम्स आए तो आप कमेंट करिए, लेकिन मैं यही ज़रूर कहूँगा कि मेरे बच्चों, जो मेरे प्रिय भाई बहन मित्र दीदी जो भी तैयारी कर रहे हैं पीजीटी बायोलॉजी की, वो इस चैनल से को सब्सक्राइब कर लें, और उनको जैसा भी चाहिए
या एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन चाहिए, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में अलग से दूंगा, लेकिन ये क्लास 11th एंड 12th की बायोलॉजी को आप थ्योरी इसकी जरूर देखें और समझें, जिससे कि आपकी पकड़ मजबूत हो सके, ठीक है। और इससे क्योंकि आपको हम फिर से बता देते हैं कि अपने मित्रों, भाइयों, बहनों, दीदियों को कि TGT या PGT जो भी बायोलॉजी से देते हैं उनमें ये 85% क्वेश्चन आपके 11th एंड 12th बोर्ड से ही आते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।